वेलकम टू हाउ टू कुक दैट। आज हम बनाएंगे छोले मसाला। आज मैं आपको छोले मसाला बनाने की बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी बताऊंगी, जो बहुत जल्दी बन जाती है पर उतनी ही टेस्टी होती है जितनी हम अगर काफी देर लगा के अलग अलग पका के बनाते हैं। छोले मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हम कुकर में डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल। अब हम इसमें थोड़ा सा खड़ा मसाला डालेंगे। उसके लिए सबसे पहले मैंने ली है 2 छोटी इलायची, 2 से 3 लविंग, दालचीनी के टुकड़े 2 छोटे छोटे 2 से 3, और 1 मैंने लिया है तेज पत्ता। अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। मिनट के लिए इसे सॉटे करें। अब हम इसमें डाल देंगे हमारे बारीक कटे हुए प्याज। मैंने बारीक कटे हुए 2 प्याज लिए हैं। अच्छे से मिक्स कर दें। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, 1/4 चम्मच हल्दी, ताकि प्याज जल्दी से पक जाए। अच्छे से इसे मिक्स करके 5 मिनट के लिए इसको पकने दें, ताकि प्याज अच्छे से पक जाए। अब इसी टाइम में हम 2 छोटे टमाटर लेके उनको पीस के उसकी प्यूरी बना देंगे। मसाले के लिए मैंने लिया है 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च और 2 चम्मच चना मसाला पाउडर। मसालों को हम कुकर में डाल देंगे। अब इसे 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। दो मिनट बाद आप देखेंगे कि ये मसाला अच्छे से पक गया है और पके हुए मसाले की जो है अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी टमाटर की प्यूरी। अब इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे और जब तक तेल छोड़ने न लगे इसे फ्राई करेंगे। इसके लिए कम से कम 2 से 3 मिनट लग जाएंगे तेल छोड़ने के लिए, तो हम 2 से 3 मिनट तक इसको फ्राई करते जाएंगे। मसाला हमारा अच्छे से सिक गया है, आप देख सकते हैं कि तेल बाहर आ रहा है। अब मैं इसमें 3 से 4 घंटे तक भिगो के रखे हुए जो छोले हैं वो डालेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखें, हमने छोले को पहले पकाया नहीं है, अब हम इसमें सीधे छोले डाल रहे हैं। अब इसे छोले के पकाने के लिए कम से कम हमें 5 से 6 विसिल लगानी होगी। इसमें अब हम 1/2 से 3/4 ग्लास पानी डालेंगे। आप पानी जितना आपको इसकी जो है करी चाहिए उस हिसाब से डाल सकते हैं। अगर छोले में ज़्यादा करी चाहिए तो आप थोड़ा पानी ज़्यादा डालें। छोले को पकने के लिए कम से कम 3/4 ग्लास पानी चाहिए, तो इतना पानी डालेंगे और हम अब इसके विसिल लगाएंगे। कम से कम 5 से 6 विसिल लगाएंगे, धीमी आँच पर लगाएंगे। हमारे टेस्टी छोले मसाला तैयार है, बिल्कुल सही पक भी गए हैं, अच्छे से टेम्पटिंग लग रहे हैं। और अब हम इसमें गार्निशिंग के लिए धनिया डालेंगे। हरा धनिया काट के इसमें डाल दें, अच्छे से मिक्स कर दें और गरम गरम चपाती नान के साथ परोसें।